तो शाम के 4 बज चुके हैं और मैं अभी पहुंच गया हूं, पीछे बोर्ड देख के पता चल रहा होगा, चंडीगढ़ स्टेशन। तो अभी निकलूंगा बस स्टैंड के लिए, चंडीगढ़ बस स्टैंड। वहां से 6 बजे मेरी बस है और जो चंडीगढ़ से रेकोंगपिओ तक जाएगी। और ये रही चंडीगढ़ का रेलवे जंक्शन, कुछ ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि एयरपोर्ट है। और हर स्टेशन के बाद यहाँ पे भी एक प्रोटोटाइप या पुराने ज़माने का जो स्टीम इंजन है वो लगा हुआ है। तो लगभग सब स्टेशन पे, सब जंक्शन के बाहर ऐसा लगा हुआ दिख जाता है। गया हूँ चंडीगढ़ बस स्टैंड सेक्टर 43। यहाँ पे 2 बस स्टैंड है, एक सेक्टर 17 है, शायद 17 या 13 था, मुझे मैं भूल गया, और एक 43। तो ये 43 वाले जो सेक्टर है उससे शिमला के लिए, मतलब हिमाचल के लिए गाड़ी यहीं से मिलती है। तो जिस काउंटर से मुझे टिकट लेनी है या जिस काउंटर के आसपास रेकोंगपिओ के लिए जो बस मिलेगी वो मैंने देख लिए हैं। तो काउंटर है 28, 29, 30 और वो सामने हिमाचल ट्रांसपोर्ट मेरे पीछे लगी हुई है, तो वहीं पे गाड़ी लगेगी 6 बजे के आसपास, तो उसी से मैं निकलूँगा। काफ़ी बड़ी है ये बस स्टैंड, वो पीछे से गाड़ी आ गई, यही सामने जो लगी हुई है हिमाचल के लिए वहीं पे मेरी गाड़ी मिलेगी। तो मेरी टिकट हो गई है रेकोंगपिओ के लिए, 780 रुपये पड़े विथ कैश। और मैं अभी जहाँ पे हूँ काउंटर नंबर 8, इसके जस्ट पीछे SBI का एक ही ATM है यहाँ पे, और मुझे 1400 रुपये निकालने थे लेकिन 500 के मल्टीपल में ही कैश निकल रही थी, तो इसलिए 1000 रुपये निकाला। और काउंटर नंबर 30 पे हिमाचल रोडवेज का काउंटर है, तो डिलक्स का 960 रुपये पड़ रहा था और ऑर्डिनरी का 780 रुपये पड़ रहे थे, और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 10 मिनट का है, एक 5:50 में खुलेगी और एक 6 बजे के आसपास खुलेगी। तो अब चल के खाना खाता हूँ और फिर बस का इंतज़ार। ये रही सामने पीछे मेरी बस जो रेकोंगपिओ तक जाएगी, और काउंटर नंबर 30 के आसपास ही लगती है, 30 और 31 के पास ही लगती है। तो 2 बस है, एक डिलक्स और एक ऑर्डिनरी। तो जो डिलक्स है वो 10 मिनट पहले खुलती है और ऑर्डिनरी है वो 6 बजे के आस खुलती है, मतलब 10 मिनट के आगे पीछे खुलती है, और कुछ खास अंतर है नहीं दोनों में। दोनों में बस 3 सीटर प्लस 2 सीटर है, और सीट टोटल नंबर ऑफ सीट कम बेसी हो सकता है, एक में 36 है और एक में 27 है। और ये रही डिलक्स वाली सीट और ये रही मेरी बस जिससे मैं अभी रेकोंगपिओ जाऊंगा। और जो काउंटर है तो उस काउंटर पे लगभग 5:30 बजे के आसपास जो टिकट काउंटर वाले होते हैं वो बैठते हैं। तो उससे पहले ही मैं जा कर के जो इंक्वायरी सेंटर था उस इंक्वायरी सेंटर पे जाकर मैंने टिकट कटवा लिया था। और जब मैं यहाँ पर आया कुछ देर के लिए बाद, तो 10-15 मिनट के बाद मुझे ये काउंटर पर बैठे हुए लोग मिल गए। हालांकि मैंने कस्टमर केयर में भी कॉल करके पूछा कि काउंटर पे कोई नहीं है, तो उन्होंने उधर से फुल काट दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने टिकट कटवाया उसके बाद वो काउंटर पे देखे कि लोग आके बैठे हुए हैं, मे भी हो सकता है कि मैंने कॉल करने की वजह से वो आकर बैठ गए हों। तो अभी बीच में कहीं पर बस को रोक दी गई है, किसी टायर दुकान के पास है, हवा वगैरह सब चेक करवा रही हैं। मुझे लगा था कि सुबह 9 बजे तक ये रेकोंगपिओ पहुँचाएंगी, लेकिन ड्राइवर साहब ने बताया और आसपास के पैसेंजर ने बताया कि करीब 5 बजे के आसपास ये रेकोंगपिओ पहुँचेगी। गुड मॉर्निंग, तो मैं अभी हूँ रेकोंगपिओ में, और कल शाम को 6 बजे चला था चंडीगढ़ से, और सारी रात बहुत सारा थ्रिलिंग होते रहा है। जैसे ही चंडीगढ़ से चला तो
कालका पार करने के बाद सोलन एक जगह है, वहाँ पे बस रुकी खाने के लिए। डिलक्स ढाबा करके था वो, हिमाचल टूरिस्ट की तरफ से ही वो ढाबा बनाया हुआ था, तो वहीं पे रुकी थी। और उससे पहले एक पैसेंजर नीचे उतर गया खाने के लिए और बस आगे निकल गई। फिर हम लोग खा लिए, उसके बाद फिर वापस बस उस पैसेंजर को लाने के लिए फिर पीछे गई। तो ड्राइवर साहब काफ़ी अच्छे थे, तो उनको पीछे फिर लेने गए 2-3 किलोमीटर पीछे। वो रुके हुए थे, उन्होंने फ़ोन करवाया किसी से, तो फिर वापस गए, फिर वापस उनको ले करके फिर से रिटर्न आए। उसके बाद जब मैं खाना खाया तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। सारी रात मुझे 1 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास उल्टी होने लगी। और अभी टाइम हो गए हैं 7 बज रहे हैं और डेट है 19 मार्च। तो रिकॉन्क्यू स्टेशन से मुझे अभी निकलना है काजा के लिए, लेकिन काजा के लिए बस थी 5:30 बजे, पहले 7 बजे चल रही थी, अब उसका टाइमिंग चेंज हो गया है तो अब वो 5:30 बजे निकल गई है। तो अब मुझे या तो यहीं पे स्टे करना पड़ेगा, नहीं तो ताबो के लिए बस पकड़ता हूँ और ताबो मोनास्ट्री वगैरह अगर घूम लूँगा शाम तक पहुँच गया तो, और वहीं आज की रात वहीं पर गुजारूँगा। उसके बाद शाम में अगर मिल जाती है काजा के लिए या सुबह में, तो फिर कल सुबह काजा के लिए निकल जाऊँगा। फ़िलहाल अभी मुझे पता करना है कि ताबो के लिए बस है कितने बजे। यहाँ बहुत सारे बस के बैनर लगे हुए हैं और जो मेरी बस है ताबो के लिए, मैंने पूछा तो उन्होंने 9 बजे बताया। काजा के लिए कोई डायरेक्ट बस अभी नहीं है। जो एक बस चल रही थी 7 बजे, उसका टाइमिंग 5:30 बजे हो गया। हालांकि मैं टाइमिंग पे ही आ गया था, 7 बजे के एग्जैक्ट 7 बजे ही आ गया था यहाँ पे। तो लगभग 6 बजे से 7 बजे 13 घंटा लग गए 300 किलोमीटर की जर्नी में। और रात में बस चला रहे थे ड्राइवर साहब, मज़ा आ गया। आदमी खा लें तो फिर पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पचेगे भी नहीं। तो इतनी पहाड़ी इलाका में बहुत ज़्यादा डर लग रही थी बाहर देख कर के, खाई वगैरह, लेकिन अच्छा था। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रही है, पीछे इसके सनलाइट है और यहाँ से पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यही तो देखने के लिए आया था मैं। इन पहाड़ों ने जैसे बर्फ़ की चादर लपेट रखी हो, इन्हें भी ठंड लग रही है। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ यहाँ पे दिख रही हैं। और ये शायद किन्नर कैलाश पहाड़ है, ज़्यादातर इसका जो है रंग कलर चेंज होते रहता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे पहाड़ों की वादियों में क्या मज़ा है। तो मेरे पास अभी 2 घंटा टाइम है और चलकर मैं तब तक फ्रेश हो लेता हूँ। एक पानी की बोतल मैंने ख़रीदी थी तो बस में ही लगता है किसी ने निकाल लिया जब मैं लेट गया था। तो रात में ठीक से सो नहीं पाया था क्योंकि गाड़ी इतनी ख़तरनाक चल रही थी, लेफ़्ट राइट। वो 3 सीटर था तो उस सीटर पे कभी सीट खाली हो जाती थी तो कभी मैं सो जाता था, कभी बगल वाले एक पर्सन थे वो सो जाते थे। वो जो अंकल थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे और सारे रास्ते अंधेरा में भी मुझे दिखाते आ रहे थे कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है। और एक्चुअली में लास्ट में उन्होंने एक सजेशन दिया कि आपको आना चाहिए था 9 जून में, क्योंकि उस समय व्यू काफ़ी अच्छा होती है, ग्रीनरी रहती है, अभी सिर्फ बर्फ़ दे रहेगी। खैर मुझे तो बर्फ़ ही देखना था। और इधर तो आप देख रहे हो बर्फ़ के ऊपर सनलाइट, मज़ा आ रहा है देख के। तो पहले चल के फ्रेश हो लेता हूँ, थोड़ा खाना पीना खा लेता हूँ। रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह होने लग गई थी, पता नहीं खाना कैसा था, 1-2 आदमी को और उल्टी हो रही थी तो लगता है खाना ठीक नहीं था। कर ली है मैंने, अब ब्रेकफास्ट की बारी है। अभी कोई दुकान तो खुली नहीं है, थोड़ी देर में खुल जाएगी तो ब्रेकफास्ट भी हो जाएगी।